हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके बच्चे के स्कूल से बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली इसका टेस्ट अभी शुरू होने वाला है, तो सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं आपकी कॉल ना ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो आप बीच में मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? सर एक्चुअली हमने ये पहली बार किया है कि जैसे टेस्ट होता है फिर बाद में पेरेंट्स को पता चलता है और बच्चे बताते भी नहीं है, तो अब टेस्ट के दौरान ही पेरेंट्स को साथ साथ ही पता चलेगा कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। सर आप होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ आपके बच्चे की क्लास में ही, तो वो बैठा ही है वहाँ पे। आप चलो कर दो ट्रांसफर कॉल। चिल्ड्रन सिट प्रॉपरली, सब आराम से बैठिए। हेलो हेलो, या मिस्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय सर, मैं इनके मैथ्स का टीचर हूँ, सो आपका बेटा भी है इधर। तो सर टेस्ट शुरू होने वाला है, मैं आपको ना सिर्फ 2 ही मिनट में बता दूंगा कि ये कैसा कर रहे हैं। राइट, ठीक है। तुम सबसे आगे बैठो, इधर आओ। हाँ ज्योति मैडम, ज्योति मैडम, आपको लगता है ये कर पाएगा? ये कर ही नहीं पाएगा। आई डोंट थिंक सो, इससे कुछ होगा। नहीं, ये कर ही नहीं पाएगा बेटा, नहीं कर पाओगे आप, ये मुश्किल है। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस सर। तो बच्चे को करने तो दो, करेगा वो क्यों नहीं करेगा? मेरे को लग ही नहीं रहा सर कर पाए। आप उसको करने दोगे तभी तो पता लगेगा ना वो कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसे तो आप बच्चे का मॉरल ही डाउन कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर रहे हो आप। तो ये कोई तरीका है? तो स्टार्ट तो करने दो, स्टार्ट तो करने नहीं दे रहे आप, पहले उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो बच्चे की। आपने इससे पहले क्या किया है? मैं बच्चे का क्या कर रहा हूँ? क्या कहा आपने? हिम्मत तोड़ रहे हो बच्चे की। एग्जैक्टली, ऐसे ही पिछले कई दिनों से फेसबुक पे आप हिम्मत तोड़ रहे हैं हिंदुस्तान की। फेसबुक पर ये लिखकर कि अगर जंग होती है चाइना और इंडिया की तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा। पहली बात तो मैं यही नहीं चाहता कि जंग हो किसी भी मुल्कों में, लेकिन अगर कभी होती भी है तो आप जैसे लोग तो मोराल खत्म कर देंगे हमारे फौजियों का। आपके बच्चे ने टेस्ट शुरू भी नहीं किया था और मैंने ये कह दिया कि इससे हो नहीं पाएगा, लगा ना आपको कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप कुछ मत बोलिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये किसी ने आपको, किसी ने मुझे लिंक भेजा था, मैंने जब आपके पेज पे जाके देखा आप पिछले एक महीने से यही कर रहे हैं कि अगर चाइना से हमारी जंग होती है तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बात सुनेंगे। जिस इंसान को अपने मुल्क से यही उम्मीद ना हो कि वो जीत सकता है, उस इंसान से क्या बात करूं मैं? जिस इंसान को अपने फौजियों पर, अपनी आर्मी पर भरोसा ही नहीं हो, उस इंसान से क्या बात करूं मैं? और ये बच्चा तो सिर्फ आपका है, मुल्क हम सबका है, और आपको उम्मीद नहीं है इस बात से। ये चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदना, चाइनीज प्रोडक्ट को तोड़ देना, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारे फौजियों का हौसला बढ़ाना, क्योंकि वो खड़े हुए होते हैं वहां पर। जब हमारे फौजियों को ये लगने लगेगा ना कभी खुदा ना खास्ता कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाली जनता ही हम पे भरोसा नहीं करती, तो क्या खाक लड़ेंगे वो? और वो उनके लिए लड़ेंगे जिन्हें उम्मीद नहीं है उनपे। गलती हो गई। आपने आपने सारे जहां से अच्छा सुना है? सारे जहां से अच्छा की एक लाइन है जो हम गुनगुनाते नहीं है। वो लाइन कुछ ऐसी है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अब एक काम करिए आप, अगर ये चीज आप तक पहुंच गई है तो इसको हर इंसान तक पहुंचाएं, ताकि ये हर फौजी के कान तक पहुंच जाए कि हम उनके साथ हैं। प्लीज करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।